बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की पास्ता सेवइयाँ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही इजी है इसकी रेसिपी को बनाना और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, सबको बहुत ही पसंद आती है। चलें इसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूध चाहिए होगा 2 लीटर यानी 2 किलो के करीब दूध ले लेंगे। पास्ता सेवइयाँ लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। ब्राउन शुगर डाल देंगे तकरीबन 2 कप के करीब। मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, मगर ब्राउन शुगर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बादाम यानी आलमंड्स ले लेंगे गार्निशिंग के लिए, आप चाहें तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं बारीक काट के। सबसे पहले हमने मिल्क को अच्छे से बॉयल कर लेना है, बहुत ही अच्छे से इसका बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आने के बाद हम इसमें ब्राउन शुगर डाल देंगे। शुगर डालने के बाद जैसे ही दूध में बॉयल आने लगे इसमें पास्ता डाल देंगे। सेवइयाँ डालने के बाद चमचे से आपने अच्छे से हिला देना है, इससे क्या होगा जो सेवइयाँ हैं नीचे वो नीचे बेस में बैठेंगी नहीं, वरना अगर चमचा आप नहीं हिलाएंगे तो बेस में चिपक जाएंगी और वो जल जाएंगी, उससे जो टेस्ट है सेवइयों का बहुत ही अजीब आएगा। और एक और बात आपको बता दूं कि आप हमेशा सेवइयाँ बनाते हुए, पास्ता सेवइयाँ बनाते हुए लकड़ी का जो चमचा है वो इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है जो सेवइयाँ हैं उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक बनेगी। अगर आप दूसरा स्टील का चमचा या कोई और चमचा इस्तेमाल करेंगे तो कंसिस्टेंसी जो है यानी सेवइयों का गाढ़ापन जो है वो ठीक से नहीं आएगा और आपको कॉर्नफ्लावर यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसमें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल नहीं डालूँगी और चमचा लकड़ी का इस्तेमाल करूँगी। चलें अब हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए चंद बादाम डाल दूंगी। कुछ बादाम मैंने रख लिए हैं, वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर लूंगी, और कुछ जो है अंदर काट के डाल दिए। मैंने इसमें कुछ भी कस्टर्ड पाउडर वगैरह या कॉर्नफ्लावर बिल्कुल ऐड नहीं किया जो कि इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा कर दे, मैंने कुछ भी ऐसे ऐड नहीं किया। मैंने सिंपली बस सेवइयों को अच्छे से बॉयल कर लिया, पका लिया दूध के अंदर, और मैंने लकड़ी का चमचा यूज़ किया। लकड़ी का चमचा जो है बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी कर देता है। अब मैं इसे ऐसे ही फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी गाढ़ी हो गई है, कितनी थिक हो गया है इसका जो दूध है, बहुत ही थिक हो जाएगा। चलें इसको हम अब छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पास्ता सेवइयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया था और देखें कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अच्छे से ठंडा करके सर्व करें, और मुझे फीडबैक देना मत भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में जो बेल बटन दिया है उसको भी प्रेस कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी मेरी नई से नई रेसिपीज़ आएँ आप उन्हें देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।